वेलकम बैक फॉर शेयर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद आवर नेक्स्ट टॉपिक और बेसिकली जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें हम जो मेन ऑर्गनल्स हैं वो सब पढ़ चुके हैं, अब तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं चैप्टर में। तो आज जो है वो हम सेंट्रियोल्स को डिस्कस करेंगे प्लस उसके साथ साथ साइटोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे विच इज़ अ प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स में देयर इज अ प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। सो फर्स्टली हम सेंट्रियोल्स को डिस्कस करेंगे। सेंट्रियोल्स को डिस्कस करने के लिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। बेसिकली हम इस योंडर के अंदर अंदर इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। अगर मैं इसको डिफाइन कर लूँ कि व्हाट सेंट्रियोल्स आर एक्चुअली, तो मैं ये कहती हूँ कि दीज आर बेसिकली नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गनल्स हैं, ठीक है जी, और अ बिट रॉड लाइक। अभी इनका स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द अकरेंस ऑफ दिस दैट हाउ दे आर वेयर दे आर प्रेजेंट विच टाइप ऑफ सेल्स आर हैविंग दी सेंट्रियोल्स, तो मेरे पास क्या है जी, दीज आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट विद इन ऑल एनिमल सेल्स। आपको एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रीडोमिनेंटली या कॉमनली नजर आते हैं। प्लस जब हम इनको देखते हैं तो हमारे पास एक और जगह पे आपको ये नजर आएंगे विच आर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स, ठीक है जी। पिछले किसी लेक्चर में आई हैव टॉक्ड अबाउट दी बेसिकली दी फाइव क्लासिफिकेशन किंगडम सिस्टम। तो हम उसमें ये पढ़ते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, हमने उनको पांच किंगडम में डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन इज़ वी आर हैविंग प्लांटाए। नंबर टू इज़ एनिमेलिया जिसमें हम सारे एनिमल्स को रखते हैं, प्लेस करते हैं। नंबर थ्री पर हमारे पास फंगस है जिसमें हमने फंजाई को प्लेस किया हुआ है। वजह यह है कि फंजाई के कुछ कैरेक्टर्स एनिमल से मिलते हैं और कुछ प्लांट से, सो दैट इज़ वाई हमने उसको एक अलग किंगडम में रखा हुआ है। और एक हमारे पास दैट इज़ दी मोनेरा। मोनेरा में हम बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा जो फिफ्थ किंगडम है दैट इज़ प्रोटिस्ट। अब प्रोटिस्ट में यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स और एल्गल ऑर्गेनिजम्स और सब चीज़ें मौजूद हैं। और बेसिकली हम उसको तीन सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। एक हम कहते हैं जी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एक हम कहते हैं जी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और एक हम कहते हैं एल्जी लाइक प्रोटिस्ट, तो जो सॉरी फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब जो हमारे पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट है ना, उनमें आगे दो मेजर उसकी क्लासिफिकेशन हैं या दो मेजर ग्रुप्स हैं। तो वो दो मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स और एक है हमारे पास वाटर मोल्ड। अब ये पूरा एक टॉपिक है ब्रॉड सा, ये आप इंशाल्लाह सेवन चैप्टर में प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यहाँ पे तो सिर्फ आपने इसको मेंशन ही करना कि सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन दीज एनिमल सेल्स एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अच्छा, अब अगर इसकी फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस देखी जाए कि सेल में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो बेसिकली सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। और अभी ऊपर जब बात हुई थी तो मैंने आपको कहा कि दीज आर बेसिकली रॉड लाइक ना, तो आप ये समझें कि ये दो रॉड्स हैं, यानी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर एंड दीज रॉड्स आर प्रेजेंट राइट एंगल टू वन अनदर, ठीक है जी। राइट एंगल टू वन अनदर का मतलब है कि परपेंडिकुलर टू वन अनदर। सो आपके पास दिस इज मेकिंग एन एंगल ऐसे ऐसे करके, सो दीज आर प्रेजेंट राइट एंगल टू वन अनदर। अच्छा, अब अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि वेयर दे आर प्रेजेंट विद इन दी सेल, तो दे आर प्रेजेंट एट सम पोल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के किसी भी साइड के ऊपर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट, ठीक है जी। अगर इनकी कंपोजिशन की हम बात करें कि हाउ दे आर कंपोज, तो हम ये कहते हैं कि दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, ठीक है जी। अब माइक्रोटिब्यूल्स क्या चीज़ है? माइक्रोटिब्यूल्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं और टिब्यूल्स इसके नाम में आता है, तो ये दो चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। नंबर वन, एक तो ये कि दीज आर ट्यूब लाइक, ठीक है, और नंबर टू ये कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से क्योंकि मिलकर बने हुए, सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज माइक्रोटिब्यूल्स। अभी हम साइटोस्केलेटन में इसको थोड़ा और डिटेल में भी देखेंगे। सो माइक्रोटिब्यूल्स से ये मिलकर बना हुआ होता है और दिस इज बेसिकली कंपोज अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, ठीक है जी। यानी आपके पास इस तरह से है, लेट मी टेक समथिंग, ये जैसे ये तीन चीज़ें हैं तो ये ऐसे करके एक ट्रिपलेट है, ठीक है, और इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स, ये एक माइक्रोटिब्यूल ट्रिपलेट है और इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स आर देयर, तो विच आर अरेंज साइड वेज। यानी वो आपके पास ऐसे अरेंज हैं जैसे वो एक रॉड अरेंज हुई हुई होती है, रॉड की बाउंड्री होती है, बीच में से हॉलो है,
तो उस तरह की ये चीज़ है। और आपके पास टोटल अगर मैं देखूँ तो 9 ट्रिपलेट्स हैं। 9 ट्रिपलेट्स का मतलब है कि एक में 3 माइक्रोटिब्यूल्स के रॉड्स, तो इसका मतलब है कि टोटल कितने टिब्यूल्स हैं मेरे पास, कितने रॉड्स हैं, 27, 9 × 3। अच्छा, अब अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो फंक्शंस में नंबर वन ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है फॉर, ये बेसिकली जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो दिस गेट मल्टीप्लाइड, ठीक है, मल्टीप्लाइड इन द सेंस के दो पेयर्स बन जाते हैं, ठीक है, एक पेयर होता है आपके पास लेकिन दे बिकम टू, डिवाइड होता है जब सेल तो वो कॉपी इसकी हो जाती है, जब कॉपी होती है तो बेसिकली अब ये कितने बन गए हैं, दो पेयर्स यानी चार। अब ये जो चार होते हैं दे मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द न्यूक्लियस या ऑपोजिट पोल्स टू द सेल, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करके हेयर दे मेक स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है जी। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं यानी इनका पहला फंक्शन क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ दीज स्पिंडल फाइबर्स, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब जब ये स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स जब एक सेट में अरेंज हो जाते हैं या पूरा उनका एक सिंक्रोनाइज किस्म की एक ऑर्गेनाइज सी चीज़ बन जाती है तो तब उस स्टेज के ऊपर हम उसको कहते हैं जी माइटोटिक एपरेटस। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनका एक काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक एपरेटस, क्लियर होगी बात। लेट मी रिपीट, मैंने कहा कि जब सेल डिवाइड होता है तो ये दो पेयर्स मतलब दो पेयर्स बन जाते हैं यानी टोटल चार। अब होता क्या है कि दे मूव टूवर्ड्स अक्रॉस द सेल टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स एंड देयर दे लाइक गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स। अब हम कहते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स की जो पूरी एक अरेंजमेंट है जो एक ऑर्गेनाइज किस्म का डिस्क्रीट सा स्ट्रक्चर आपके पास आता है, दैट इज माइटोटिक एपरेटस। अच्छा, माइटोटिक एपरेटस का की क्या सिग्निफिकेंस है और इसको बनाना क्यों इतना जरूरी है। बेसिकली दिस माइटोटिक एपरेटस इज गोइंग टू इंश्योर द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू बी लाइक ट्रांसफर्ड इन टू द डॉटर सेल्स, यानी जो क्रोमोसोमल नंबर है उसको इंश्योर करता है, यानी उसको नंबर वाइज भी और उसकी ट्रांसफरेंस भी। सो दिस इज गोइंग टू मेक, दिस इज गोइंग टू शिफ्ट क्रोमोसोम्स इन टू द डॉटर सेल्स, ठीक है जी। जो सेल डिवीजन के बाद सेल्स बन रहे हैं उनको आप कहते हैं जी डॉटर सेल्स हैं। सो ये माइटोटिक एपरेटस और स्पिंडल फाइबर्स का कलेक्टिव काम ये हो गया। नंबर थ्री, इट इज गिविंग राइज टू सर्टन बेसल बॉडीज और काइनेटोसोम्स ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है जी। ये क्या बनाता है, इट इज गिविंग राइज टू सर्टन बेसल बॉडीज, ठीक है जी। अब बेसल बॉडीज या काइनेटोसोम्स भी उन्हें कहते हैं। अब ये किसकी हैं, बेसिकली दे आर ऑफ सिलिया और फ्लैजेला, ठीक है जी। अब सिलिया और फ्लैजेला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, लोकोमोशन हेल्प करते हैं बैक्टीरिया में, तो फ्लैजेला इज मोर कॉमन और सिलिया के लिए पैरामीशियम की एग्जांपल है। पैरामीशियम इज ऑल कवर्ड बाय दोज स्मॉलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो हम उनको कहते हैं कि वो सिलिया। बेसिकली सिलिया और फ्लैजेला जो हैं वो उनकी अगर आप बेसिक एनाटॉमी पे चले जाएं, उनके बेसिक कंपोजिशन पे चले जाएं तो दैट इज द सेम, दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सिलिया भी और फ्लैजेला भी। अब जैसे हमारे सर के बाल होते हैं तो हमें लगता है कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, लेकिन ऐसे नहीं है, इसका जो एक बेस लाइन है दैट इज इनसाइड योर स्किन डर्मल लेयर के अंदर। तो सेम इज द केस विद दिस कि सिलिया और फ्लैजेला जब आप सेल को ऊपर से व्यू कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि इट इज समथिंग विच इज आउट द वे, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इसकी जो बेस लाइन होती है दैट इज इन साइड साइटोप्लाज्म, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट वहां से है। सो दीज आर गिविंग राइज टू दोज बेसल बॉडीज विच आर मेकिंग द सिलिया एंड फ्लैजेला फिक्स्ड टू देयर पोजिशन, एंड ड्यू टू दैट वो आपके पास सिलिया और फ्लैजेला क्या है, अपनी पोजिशन में फिक्स भी हैं और अपना स्ट्रक्चर उन्होंने अटेन भी किया हुआ फर्मली। सो हेयर वी नीड अ पॉज, उसके बाद हम साइटोस्केलेटन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पे अब हमने साइटोस्केलेटन को डिस्कस करना है, राइट। अच्छा, साइटोस्केलेटन क्या चीज़ है हमारे पास, बेसिकली ये फिब्रस टिश्यूज का या फिब्रस बॉडीज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है विच इज़ गिविंग, जैसे स्केलेटन हमारी बॉडी में है तो वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमें शेप प्रोवाइड करता है, प्लस दैट इज मेकिंग अस प्रोटेक्टेड। और जो हमारा एक पूरा कह लें कि बॉडी का जो एक फ्रेमवर्क होता है दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ओवर स्केलेटन, तो सेल को भी ऐसा स्केलेटन चाहिए होता है, ठीक है जी। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जी दिस इज़ समथिंग फिब्रस एंड दिस इज़ वर्किंग एज टू गिव शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, जैसे नॉर्मली बॉडीज में स्केलेटन की वर्किंग होती है।
अच्छा, अब साइटोस्केलेटन के तीन कंपोनेंट्स हैं, हम इसको तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो दिस इज इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके दरमियान में प्रेजेंट है, मतलब उसके दरमियान में एक्सटेंड हुआ हुआ है. सो हम ये कहते हैं कि इट इज़ हैविंग थ्री ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, या हम इसको थ्री एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी. एक मेरे पास है जी माइक्रोटिब्यूल्स, एक मेरे पास है जी माइक्रोफिलामेंट्स. ठीक है, नंबर वन इज माइक्रोफिलामेंट्स. आपकी बुक में जिस सीक्वेंस से दिया हुआ ना उस तरह एक्सप्लेन करी, माइक्रोफिलामेंट्स. नंबर टू इज माइक्रोटिब्यूल्स एंड नंबर थ्री इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ठीक है जी, एक हमारे पास है माइक्रोटिब्यूल्स, एक है माइक्रोफिलामेंट्स और एक हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, राइट. अच्छा, अब अगर मैं माइक्रोटिब्यूल्स, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. सब फर्स्टली माइक्रोफिलामेंट्स को ले लेते हैं. अच्छा, अगर माइक्रोफिलामेंट्स को ले लें हम, तो नंबर वन पे हमारे पास क्या है, नंबर वन पे क्या है कि फिलामेंटस है ये, इसका तो इस नाम आपको बता रहा है. तो हम ये कहते हैं कि दिस इज समथिंग प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है जी, और नंबर टू पे हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि दिस इज लाइक फिलामेंटस, इसका नाम आपको बता रहा है कि दिस मस्ट बी समथिंग फिलामेंटस. और फिर क्या है जी, अगर हम इसका साइज देखें तो दैट इज 7 नैनोमीटर्स इन डायमीटर. डायमीटर में कितना है ये, दिस इज 7 नैनोमीटर्स इन डायमीटर. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि अगर हम इसकी कंपोजिशन पे जाते हैं कि हाउ दिस इज कम्पोज, तो मैं ये कहती हूँ कि दिस इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज बेसिकली एक्टिन. ठीक है, अब एक्टिन जो है वो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी राउंडेड फॉर्म की प्रोटीन है. जब एक्टिन इस तरह ग्लोबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली जी एक्टिन और ग्लोबुलर एक्टिन. बट हियर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दैट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, बट हियर इट इज मेकिंग द चेन. एंड व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ चेन, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये फिलामेंटस चीज है कोई. ठीक है, अगर ये ऐसे करके एक चेन बना देगी तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज समथिंग फिलामेंटस. ठीक है, और इसको हम अब इस मेन नहीं, बेसिकली इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं जी दिस इज एक्चुअली एफ एक्टिन और फिलामेंटस एक्टिन. अच्छा, अब एक बात क्लियर कर लें यहाँ पे कि एक टर्म होती है फ्रेगमेंटेशन और एक टर्म होती है फिलामेंट्स. तो फ्रेगमेंट और फिलामेंट में डिफरेंस ये है कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे अब ये है, तो इसको अगर मैंने सेपरेट कर दिया यहाँ से तो ये फिलामेंट्स, ये इसके फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंटाइज हो गया. और फिलामेंटस का मतलब है जैसे कि हमारी फिंगर्स हैं, अब ये पूरी एक ही है लेकिन यहाँ पे आपको इसके क्रॉस सेक्शंस बने हुए नजर आते हैं. तो जो फिलामेंटस चीज़ है वो ऐसी है, सो हियर इट इज समथिंग फिलामेंटस. तो हम इसको कहते हैं एफ एक्टिन और फिलामेंटस एक्टिन. अब माइक्रोफिलामेंट बनाने के लिए ये जो इसका पूरा फिलामेंट है, दीज टू फिलामेंट्स आर देयर एंड दे आर ट्विस्टेड अपॉन वन अनदर. ठीक है, जैसे एक तस्बी लें आप और उसको ऐसे करके ट्विस्ट कर लेना, तो बिल्कुल वैसी इसकी शेप होती है. सो वो क्या कहता है, वो कहता है जी बेसिकली हमारे पास ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना हेलिकल, तो वो ट्विस्टेड है, लेकिन उसके बॉन्डिंग्स और इसकी डेफिनेटली बॉन्डिंग में डिफरेंस होगा. तो यहाँ पे ऐसे दिस इज मेकिंग लाइक ट्विस्टेड अपॉन वन अनदर. तो ये हमारे पास हो गई एफ एक्टिन की चेन पूरी. ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया एक्टिन. इसके अलावा टू मोर प्रोटीन्स आर देयर, वो जो दो और प्रोटीन्स हैं वो कहें कि टू रोज ऑफ अनदर प्रोटीन आर आल्सो क्रॉसिंग. और हम इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट, ट्रोपोमायोसिन. ठीक है जी, अब ये हमारे पास बिल्कुल ये तो बीडेड है जो एक्टिन है, लेकिन इट्स नॉट बीडेड, इट्स समथिंग स्ट्रेट अवे. तो ये इसके ऊपर से क्रॉस करी होती है, इसको साइड वेज से इसने कह लें कि कवर अप किया हुआ होता है, ये वहाँ पर प्रेजेंट होती है. इसके अलावा आपको डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर एक और प्रोटीन के, मतलब आप कह लें कि उसके कंपोनेंट्स नजर आएंगे. सो दिस प्रोटीन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट एट सर्टन इंटरवल्स ऑफ दिस इज नोन एज ट्रोपोनिन. ठीक है, अब ये जो ट्रोपोनिन है ना, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ठीक हो गई बात, और ये जो थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये आपके पास जो है वो डिफरेंट चीज़ों के साथ अटैच होती हैं. फॉर एग्जांपल,
इसका जो आप कह लें कि तीन इसके सब यूनिट्स हैं या तीन पॉलीपेप्टाइड चेन हैं जो मिलके एक ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल बना रही होती हैं। होता किस तरह है कि एक इसका कंपोनेंट होता है जी ट्रोपोनिन आई विच इज द इनहिबिटरी यूनिट ऑफ दिस एंड दिस इज अटैच टू एक्टिन डायरेक्टली, यहाँ पे ये एक्टिन से अटैच। दूसरा जो यूनिट है दैट इज टी एन टी एंड दिस इज अटैच टू, यानी ट्रोपोनिन टी एंड दिस इज अटैच टू ट्रोपोमायोसिन, राइट। और जो लास्ट वन है दैट इज टी एन सी, अब ये प्रेजेंट कर रहा होता है कि दिस इज एक्चुअली अटैच टू द मस्कुलर कैल्शियम, राइट। ये मसल्स की प्रोटीन है इंपॉर्टेंट, एक एक्टिन और मायोसिन स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए, यहाँ तक तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, अब अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन वाइज हमारे पास क्या है जी इसका फंक्शन, कि दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन। इसकी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है, ठीक है जी। इट इज एबल टू गेट कॉन्ट्रैक्टेड, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो आपके पास थोड़े से फ्लेक्सिबल किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो दे कैन गेट कॉन्ट्रैक्टेड। सो इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से आपके पास क्या चीज पॉसिबल होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, या साइक्लोसिस आपके पास पॉसिबल है। अभी हम साइटोप्लाज्म में बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली साइक्लोसिस की होता है कि साइटोप्लाज्म में एक चीज़ का एक पोजीशन से मूव करके किसी दूसरी पोजीशन में आ जाना। स्ट्रीमिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर के साथ ही चीज़ें मोस्टली मूव करती हैं, तो इस बेसिस के ऊपर दिस इज नोन एज स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लस इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जैसे सूडोपोडिया की फॉर्मेशन इनसाइड द अमीबा। अब अमीबा में एक फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज मेकिंग इट मूवेबल, तो वहाँ पे जो इसकी फॉर्मेशन है सूडोपोडिया की वो माइक्रोफिलामेंट्स कार्य होते हैं। सो और तीसरा एक और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द मैकेनिकल सपोर्ट, वो तो सब में रिपीट होगा क्योंकि दे आर अ पार्ट ऑफ लाइक स्केलेटन, तो डेफिनेटली दे आर सपोर्टिव इन देयर नेचर। तो ये आपके पास इसकी डिटेल हो गई। सो नेक्स्ट हम चलते हैं माइक्रोटिब्यूल्स की तरफ। अच्छा, आप माइक्रोटिब्यूल्स को भी देखना है आपने, तो दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइड लाइक बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अच्छा, अब अगर इनकी नेचर देखी जाए तो दे आर जस्ट लाइक अ ट्यूब। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका नाम माइक्रोटिब्यूल्स इसीलिए है क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो ट्यूब लाइक, सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब एंड दीज आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन विच इज टिबुलिन, ठीक है जी। माइक्रोटिब्यूल्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज टिबुलिन। अच्छा, अब ये जो टिबुलिन है अगर हम इसको देखें तो हम ये कहते हैं कि टिबुलिन इज मेड अप ऑफ टू ऑफ इट्स मोनोमेरिक यूनिट्स। एक हमारे पास इसका अल्फा यूनिट होता है और एक हमारे पास इसका बीटा यूनिट होता है। अब होता ये है कि ये जो अल्फा और बीटा यूनिट्स हैं ये ऐसे अरेंज हुए होते हैं लीनियर अरेंजमेंट के अंदर, ये अल्फा होगा और ये बीटा ऑल्टरनेटिव पैटर्न में, फिर उससे अगला अल्फा है, फिर उससे अगला बीटा और सो ऑन चलता जाता है। अब ये जब बहुत सारी रॉड्स बन जाती हैं, यानी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेट रॉड्स बन जाती हैं, तो दे आर आइदर टेकिंग द शेप ऑफ अ सिलेंडर और आइदर दे आर ट्विस्टेड, ठीक है जी। कभी कभी ये सिलेंड्रिकल शेप में आते हैं, कभी कभी ये ट्विस्टेड होते हैं। अब प्लांट सेल्स में दे आर फ्रीली डिस्पर्स्ड, फ्रीली डिस्पर्स्ड विद इन दी प्लांट सेल्स, राइट। प्लांट सेल्स में दीज आर फ्रीली डिस्पर्स्ड, लेकिन जब सेल डिविजन का टाइम होता है तो दे आर मेकिंग लाइक डिवाइड होते हैं, तो जब सेल डिविजन का टाइम है सो दे आर गिविंग राइज टू स्पिंडल फाइबर्स। अब क्या काम है इसका जी, नंबर वन इट इज मेकिंग स्पिंडल फाइबर्स, और ये स्पिंडल फाइबर्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, माइटोटिक, सॉरी मैं ज़रा जज्बाती हो गई थी, माइटोटिक एपरेटस, ठीक है जी। और ये माइटोटिक एपरेटस इंश्योर करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को टू बी एक्यूरेट विद इन द डॉटर सेल, ठीक है जी। इसने क्या करना है, इट इज़ मेकिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू बी एक्यूरेट विद इन द डॉटर सेल्स। तो एक तो फंक्शन इसका ये हो गया। फिर दे आर गिविंग राइज टू सेंट्रियोल्स, अभी आपने पढ़ा कि सेंट्रियोल्स की कंपोजिशन में आता है सेंट्रियोल्स, सिलिया, फ्लैजिला, यानी इन सब की जो सेंट्रियोल्स से फॉर्म करता है
और सिलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडीज ये बनाता है, ठीक है। एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, इसका साइज। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट साइज, तो हमारे पास का साइज होता है जी 25 नैनोमीटर्स इन डायमीटर, और अगर हम इसकी लेंथ देख लें तो वो लेंथ होती है जी 0.22 to 25 माइक्रोन मीटर्स इन लेंथ, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल कंप्लीट। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो लास्ट चंक है हमारे आज के लेक्चर का। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट की अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं उनको हम इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी हमारे पास, अभी इसकी कंपोजिशन पे जाते हैं, लेकिन इनका नाम इंटरमीडिएट इसलिए है बिकॉज इनका साइज इन बिटवीन है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोटिब्यूल के। बेसिकली हमने ये कहा कि माइक्रोफिलामेंट्स का साइज जो है वो दैट इज 7 नैनोमीटर्स, और जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं उनका साइज आपके पास 25 नैनोमीटर्स है। सो दे आर 8 to 10 नैनोमीटर्स इन डायमीटर, दैट इज वाई, क्योंकि बीच में आता ना साइज का, तो इस वजह से उसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। अच्छा, अब अगर इन इंटरमीडिएट्स की बात की जाए तो डेफिनेटली ये भी प्रेजेंट है किधर, बिटवीन न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस पर वहाँ तक एक्सटेंड हुए हैं। और अगर देखा जाए कि बनते किस चीज़ से हैं, तो दीज आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन विच इज़ बेसिकली वायमेंटन। वायमेंटन एक प्रोटीन है जिससे मिलकर बने हुए होते हैं। अब वायमेंटन इज देयर, यानी वायमेंटन के आपके पास तीन कह लें कि तीन रोज होती हैं या तीन बंडल्स आर देयर, तो वो तीनों आपस में इस तरह से ट्विस्ट हुए होते हैं कि देयर इज़ नो स्पेस लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है जी। आपके पास कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है, और ये एक तीसरा क्रॉस कर रहा है। सो आपके पास इस तरह की, ये यहाँ तो स्पेसेस नज़र आ रही है ना, बिकॉज आई जस्ट हैव ड्रॉड दिस ना, लेकिन आपके पास जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इतना क्लोज होता है, इतना क्लोजली पैक्ड होता है कि वो तीनों लेयर्स इतनी अच्छी तरह से ट्विस्ट हुई होती हैं कि देयर इज़ नो हॉलो स्पेस बिटवीन दैम। और फिर अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो फंक्शंस में सिंपल ये है कि दिस इज़ मेकिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and plasma membrane, and this is making the cell within a proper shape, right? So aapke paas ye tha aaj ke lecture mein, sirf itna hi included tha. Thank you so very much. I think aapko sare points clear hue honge, aur agar koi cheez aapko nahi samajh aayi to you may ask in your related query session. Thank you very much.